जैसे दीदी ने बोला, आज मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी हिंदी में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो आपने वो कॉन्फिडेंस भी दे दिया। अगर गूगल के पास खुशी का सोल्यूशन होता तो हम शिवानी दीदी को सुनने के लिए क्यों आते हैं? नहीं, एक मिनट के लिए अगर आप अभी ये सोचें कि शिवानी दीदी अभी स्टेज में नहीं है, एंड मुझे ये बताएं, आप में से, शो ऑफ हैंड्स, आप में से कौन समझता है दैट वर्क इज हेवन, काम स्वर्ग है? अभी दूसरा प्रश्न, बड़े गौर से सोच के मुझे बताएं, आप में से कितने लोग सच्चे दिल से, ये आपके ऊपर विश्वास है कि जो भी आपने पिछले 2 दिन में सुना या अगले 2 दिन में सुनने वाले हैं, वो आप काम पे, वर्क एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं और आपको तरक्की हो सकती है? यूज़ कर सकते हैं? आपको लगता है आपको तरक्की हो सकती है? और मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जितना कम टाइम आप वर्क करेंगे, आप उतना ज़्यादा काम भी अचीव करेंगे, उतना तरक्की भी करेंगे? अच्छा, कुछ लोग। मेरा एक्सपीरियंस इन 3 सवालों का ही जवाब ढूंढने का था। 10 साल पहले की बात थी कि मेरे जिंदगी का उस सबसे खुशी मौका होना चाहिए था 10 साल पहले। उस टाइम पे मैंने मेरा करियर का, मैं अभी ये जो बोलने वाला हूँ, वर्क लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बोलने वाला था। जहाँ से, जैसे आपने बहुत भाई बहनों ने शुरू किया होगा, मेरा भी लाइफ का वर्क रीज़न शुरू हुआ था टू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने काम उसी के वजह से शुरू किया था। पिताजी बताते थे पढ़ाई करो ताकि आपको काम मिले, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। और 10 साल पहले की बात ये थी कि मेरे ज़िंदगी में उस टाइम पे मैं सबसे हैप्पी महसूस करने वाला एक मोमेंट होना चाहिए था। मैं एक कंपनी में, एक बड़े कंपनी में, बड़े वेरी हाई लेवल पे पहुंच गया था। मेरी शादी हो गई थी विथ समबडी विथ हुम आई वांटेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मेरे पेरेंट्स यंग थे। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं शायद मेरे ज़िंदगी के सबसे अनहैप्पी मोमेंट में था उस टाइम पे, क्योंकि मन में यही था कि अच्छा, यहाँ पे तो पहुँच गए पर 5 साल में और करना है। ये देखो, मेरे बाजू वाले ने, उसका प्रमोशन क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ? घर आता था, जिस के साथ जीवन बिताने का प्रॉमिस किया था उससे भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। घर आते ही, अभी अभी ऑफिस से काम करके आया हूँ, समझते क्यों नहीं है, कितने थके हैं, अच्छा मेरे कॉफ़ी में इतना शुगर क्यों है, अभी मुझे एक्सरसाइज करना है। अपने ही सोच में, अपने ही दिमाग में मैंने इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भर दिए थे। काम करता था 12-12 घंटे, जिनके साथ भी काम करता था सब लोग ये तो बताते थे कि किरण के साथ काम करना, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय, बट आई नेवर अर्नड दैट फीलिंग दैट किरण के साथ काम करते वक्त खुशी आती है, वो कोई नहीं बताता था। एंड उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि वो, मैं गर्व के साथ बोलता था, आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू गेट वर्क डन। आई वेंट देन, उस टाइम की बात है, मैं और मेरी वाइफ मेरे पेरेंट्स के घर गए और वहाँ पे हम मिले लक्ष्मी अम्मा से।
मेरे जिंदगी के सारे वर्क लाइफ बैलेंस लेसन्स मैंने लक्ष्मी अम्मा से सीखे हैं। सो मुलाकात करवाता हूँ आपसे लक्ष्मी अम्मा से। लक्ष्मी अम्मा इज 79 ईयर्स ओल्ड। वो घर पे सफाई करने की काम करने के लिए आती हैं। उनके चार बच्चे हैं, चारों के चार अपने परिवार और अपने फैमिली को संभालने में लगे हैं। उनके पास लक्ष्मी अम्मा को टेक केयर करने के लिए ना पैसा है ना वक्त है, तो लक्ष्मी अम्मा अकेली रहती हैं और अपने तनख्वाह से जितने हो सके अपने बच्चों का ख्याल भी रखती है। एक बच्चा आता है, अच्छा अभी हमारे बेटी का पढ़ाई करवाना है, लक्ष्मी अम्मा अपना सोना बेच देती है और उनको पढ़ाती है। लक्ष्मी अम्मा एक आंख से देख नहीं पाती क्योंकि उनके हस्बैंड ने शराब पी के एक दिन आके उनको मार के एक आंख खा, उनके उनका साइट नहीं है। फिर भी एक बार भी, मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक बार भी मैंने लक्ष्मी अम्मा, जब भी मैं लक्ष्मी अम्मा से पूछता हूँ आप कैसी हैं, वो एक ही चीज़ बोलती हैं, मेरे पास परमात्मा का आशीर्वाद है, मैं बहुत खुश हूँ। जब भी अपना सैलरी लेती हैं वो यही बोलती हैं, देखिए परमात्मा ने मुझे कितना ब्लेस किया है कि मेरे पास अभी भी ताकत है ये काम करने का। That changed my life. मैंने लक्ष्मी अम्मा को ज़िंदगी में बचपन से देखते आ रहा हूँ, पर उस मोमेंट में समथिंग हैपेंड, my ट्रांसफॉर्मेशन started फ्रॉम देयर। उसके बाद आई started गेटिंग my lessons, आई started टेकिंग my lessons, एंड आई थिंक कहीं अंदर ढूंढता हूँ तो ना वो ग्रैटिट्यूड कि ज़िंदगी के किसी भी मौके में कहीं पे भी हो, मैंने वर्क वहाँ से शुरू, मैं इसलिए वो एग्जाम्पल कोट कर रहा था कि अगर वैसे काम करके एक इंसान इतना खुश रह सकता है तो हमारे पास सब कुछ रह के। लक्ष्मी अम्मा ने अपने घर के 10 किलोमीटर रेडियस से बाहर वो कभी गई नहीं है, उनका दुनिया अपने घर के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही उन्होंने गुजारा है। अगर एक ऐसा इंसान खुश रख सकता है तो हमारी ड्यूटी है खुश रहने का, है ना। सेकंड, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था जब पहली बार मैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़ा, तो मुझे ये लगता था हाँ ये सब तो ठीक है, जैसे शिवानी दीदी ने बोला मैं उनके सामने ही बता देता हूँ। मैं यही सोचता था, शिवानी दीदी बहुत चीज़ समझाती हैं, ये सब मैं घर पे आके सुबह के एक घंटे के मेडिटेशन में प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ज़िंदगी अलग जी जा सकती है। बट आई कैन टेल यू, आई थिंक 7 साल पहले की बात थी, मैं US गया और मेरे पहले मीटिंग में मैंने सोचा अच्छा अभी इंडिया से बाहर गया हूँ, एक नया एटमॉस्फेयर है, नए लोगों के साथ है, चलो क्यों ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, एक नया शुरुआत करें। और तब से मैं यूज़ करता हूँ ज़िंदगी के, वो बोलते हैं तो 10 प्रिंसिपल्स, वो यू नो अंग्रेज़ी में फ्रॉम क्रिश्चियनिटी आई से इट माई 10 कमांडमेंट्स ऑफ वर्क, देयर आर 5 डूज एंड 5 डोंट्स इन इट, एंड आई हैव इन द लास्ट 7 ईयर्स आई हैव ट्राइड टू प्रैक्टिस दिस इन एवरी पॉसिबल वे। जैसे दीदी ने बोला ज्ञान, योग, धर्म, सेवा, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं हर दिन उसमें सफल रहता हूँ, पर यह तो ज़रूर बोलूँगा कि हर दिन का कोशिश यही है कि इस 10 कमांडमेंट से मैं वर्क करूँ। नंबर 1, जैसे आपने बोला ये 4 दिन में आप क्लासरूम में बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर क्लासरूम के बाहर जो आपको इस वातावरण में देखने को मिलता है उसमें से आपको काम में सीखने के लिए बहुत कुछ है। द फर्स्ट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड इन माई एसोसिएशन विद ब्रह्मा कुमारीज इज डिसिप्लिन। सुबह 4 बजे उठने का डिसिप्लिन, योगा करने का डिसिप्लिन, बॉडी को डिसिप्लिन में रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर सोच का डिसिप्लिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट अहम है। हम सब के पास दिन में 24 ही घंटे हैं,
उसमें से निकाल दो 7-8 घंटे सोने का, फिर फैमिली के साथ। अच्छा काम करने के लिए हमारे पास वक्त कम है और उसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक आदत है कि बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मेरा हमेशा एक चीज़ रहा है, अगर एक मीटिंग 9 बजे शुरू होने की है, कोशिश यही रहेगा कि मीटिंग में 5 मिनट पहले पहुँचें। और मीटिंग हमेशा, मैं कभी भी अनलेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो, मीटिंग 1 घंटे को नहीं रखता हूँ। आप बिलीव करें, आप मीटिंग का टाइम 15 मिनट सेट करके देखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं हम 15 मिनट में। फिजूल की बातें नहीं होती हैं। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, फर्स्ट लेसन। आज भी मैं काम पे हर दिन सुबह 6:30 बजे निकलता हूँ, 7 बजे काम पे पहुँचता हूँ। मेरे पूरा टीम को पता है कि मैं 3:30 बजे हर दिन काम से निकलता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि मेरा वर्क सिर्फ काम पे नहीं है, मेरा एक्चुअल वर्क मेरे घर पे है। सो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस देखें तो टाइम मैनेजमेंट टू टेक केयर ऑफ एवरी वर्क ऑफ आवर लाइफ इज क्रूशियल। नंबर 2, पर्पस। जब हम काम पे जाते हैं या आप अपना हमारा बिजनेस करते हैं, अगर हमारा ये बहुत पिक्चरों में बहुत काम में सुना है कि अगर आप हमारा मकसद सिर्फ पैसे का रहा तो उसमें खुशी उतनी मिलती नहीं है। हम सब में एक गायक है, हम सब में एक लेखक हैं। क्या आपने कभी भी अपने ज़िंदगी, अपने वर्क का एक स्टोरी लिखने की कोशिश की है? करके देखिए, बहुत फ़र्क आता है। आई कॉल इट पर्पस। हाँ, मैं आज गूगल में काम करता हूँ, बट माई स्टोरी इज़ नॉट गूगल स्टोरी। गूगल का काम करता हूँ, पर मेरी ज़िंदगी का पर्पस जो मुझे करना है, जब वो लिखते हैं वो काम पे एक अलग मज़ा आता है। राइट योर स्टोरी। आपको जब आप काम में जाएंगे वो काम का मीनिंग अलग लगता है। लक्ष्मी अम्मा शायद झाड़ू मारती हैं, पर उनका ज़िंदगी का मकसद वो नहीं है। वो काम करने आने का उनका एक ड्रीम है कि उनको बच्चों को सफल देखें, उनको उसमें खुशी मिलती है। वो खुशी तभी मिलती है जब हमें ऐसा लगता है कि हर दिन जब हम काम पे जाते हैं हम अपना स्टोरी को साक्षात्कार करने के लिए जाते हैं। नंबर 3, पीपल। मेरा शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस सोच से हुआ है कि काम विजन या बड़ा स्टेटमेंट बनाने से नहीं होता है, काम लोगों से होता है। अ हैप्पी वर्क प्लेस इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल। अगर हमारे साथ काम करने वाले, आप ये सोचें, अगर हम हमारे ज़िंदगी के इतने ज़्यादा सोच, इतने ज़्यादा हम, एटलीस्ट हमें तो एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि यहाँ पे आके ज्ञान लेने का। बहुत लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे शिवानी दीदी ने बताया। अभी अगर अभी आप ये सोचें वो क्या क्या सोच लेके काम पे आते हुए होंगे। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर हम लोगों को खुश नहीं रख पाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप काम पे सफल नहीं रह पाएंगे। वेदर यू आर इन बिजनेस, वेदर यू आर इन अ वर्क प्लेस, Try to be a source of happiness। और इसमें एक दूसरी बेनिफिट है, मैंने ये भी देखा हुआ है, जब आप स्माइल करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, लोग आपको खुशी की स्टोरी लेके आपके पास आते हैं। दे दुख लेके नहीं आते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलने के लिए नहीं आते हैं। बिगिनिंग आपसे होता है, आपका दुनिया आपसे बनता है। मेडिटेशन से मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा कनेक्शन विद माय कॉन्शियंस है। हर एक कंपनी में एक रूल बुक होता है, ये करो ये ना करो, इतने बजे पहुंचो, है ना। अगर हम हर कंपनी के रूल बुक के हिसाब से जिएंगे तो शायद कठिन होता है,
क्योंकि वो रूल सब ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है। पर ज़िंदगी में एक रूल बुक है जो हम हर दिन हर टाइम हमारे साथ कैरी करते हैं, हमारा कॉन्शियंस। आई थिंक 7 years ago द बिगेस्ट कनेक्ट फॉर मी हैज़ बीन विथ माई कॉन्शियंस। हर टाइम जब कोई दिक्कत का टाइम आता है काम पे, 2 मिनट आंख बंद करके अंदर पूछता हूँ तो सवाल का जवाब मिल ही जाता है। हाँ, शायद उस टाइम पे ये जवाब ना मिले कि मेरी तरक्की कैसी होगी, पर जो काम करने का है, जो काम पे सफलता मिलने का होता है, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। माई 5th point, डीड्स, हमारा कर्म। यू नो, एक ज़माना था जब मुझे ये लगता था, जब छोटे थे, काम पे जाते थे और बॉस बोलता था कि 6 बजे तक ऑफिस में बैठना है, ऐसा लगता था कि कोई देख रहा है। उनका नज़र हटा के 5 बजे निकलने का जो मज़ा मिलता था, मैं आपको क्या बताऊं? अगर आप हंस रहे हैं तो आप जानते भी हैं। पहले मैंने मेरे पूरे टीम के साथ यही बोला, ये डर हटाना चाहिए, है ना? हमें अगर काम करने का शौक है तो कब करें, कैसे करें, कितने बजे में करें, टाइम के हिसाब से नहीं होता है, हमारे कर्म के हिसाब से होता है। सो वी हैव अ प्रिंसिपल इन आवर टीम कॉल्ड पे इट फॉरवर्ड, कि हर हर किसी को बोलते हैं कि दिन में 2 या 3 चीज़ ऐसे करो जो आप बिना कोई आउटकम ढूंढे किसी के लिए भलाई करो। अगर आप किसी को सैड देखते हो ऑफिस में, 4 मिनट उनसे बात कर लीजिएगा। या किसी और का काम हो, अगर आप बड़े कैपेबल हो उसको करने में, किसी को हेल्प कर लीजिएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप प्लीज़ इसको एक नोटबुक में लिख के रखें। करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब आप लिखते हैं और एक दिन में देखते हैं कि आपने 2 डीड किया, 3 डीड किया, ये मेडिटेशन समान होता है। सुबह का जो आपका मेडिटेशन होता है, अगर आपको हर दिन में हर टाइम पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप अच्छे कर्म कीजिए और उसका एक नोट रखिए। आप दिन भर मेडिटेशन नहीं करेंगे, ये आपका सबसे बड़ा मेडिटेशन है, गुड डीड्स। एंड आई कैन टेल यू, आज हमारा टीम तकरीबन 400-500 लोगों का है, बिजनेस बहुत बड़ा संभालते हैं। सब लोग 4 बजे के अंदर ऑफिस से निकलते हैं, सब लोग, सिर्फ मैं नहीं। और सब लोगों में उन्हें शायद मेडिटेशन ना समझे, पर वो पेड फॉरवर्ड और अपने डीड समझते हैं। अभी आते हैं मेरे 5 नोस पे, ये 5 डूज थे, व्हाट आर द 5 डोंट्स एट वर्क, और इससे आपको आपका टाइम वापस मिलता है। नंबर 1, नो एंगर। हम सब, अ लॉट ऑफ अस हैव दिस बिलीफ कि काम पे एंगर जरूरी है ना? मुझे वो बिलीव बहुत ज़रूर था। मैं बोलता था, हाँ समटाइम्स एंगर करना पड़ता है, लोगों को कड़क बताना पड़ता है। नहीं, एवरी मोमेंट ऑफ एंगर ओनली मेक्स योर जॉब मोर डिफिकल्ट। इट माइट बी, लोग समटाइम्स समझ सकते हैं आप इंसान अच्छे हो, चलो कुछ गलती से बोल दिया, पर जो वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं, अगेन मैं आपको बता सकता हूँ, अगर काम किसी ने गलत भी किया हो, आपके गुस्सा होने से वो काम ठीक नहीं होने वाला है। आपने जिस इंसान ने वो गलती की, उसको और डरा के भेज दिया। और अगर आप थोड़े और गौर से सोचें, आपका गुस्सा का कारण आपका डर है। डर के काम नहीं होगा, डर के आपके बॉस आपको डांटेंगे, डर के आपका तरक्की नहीं होगा। अगर आप अंदर गौर से सोचें, Your anger is not your strength. Your anger is the cause of your biggest weakness. And that is your fear. ये सिर्फ वर्क पे नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेरा सबसे डिफिकल्ट चीज़ टू कॉन्कर, एंड आज भी ये नहीं बता सकता कि मैंने पूरा कॉन्कर किया है,
पर सबसे डिफिकल्ट चीज टू कॉन्कर हैज बीन दिस एंगर एंड समवेयर डीप इनसाइड वो एंगर का कॉज है एंग्जाइटी. वो एंग्जाइटी शुरू होता है किसी को प्लीज करने के लिए, एंग्जाइटी शुरू होता है कुछ अचीव करने के लिए, एंग्जाइटी शुरू होता है कि अपने ही एक अरमान है वो पूरा ना होने से. पर वो नेगेटिव वाइब्रेशन से काम जब भी हम करते हैं वो सिर्फ टाइम बर्बाद होता है, काम नहीं होता है. सेकेंड, नो, नो ईगो. हम कितने लोग हम हमारे सेलफोन के ब्रांड से ज़्यादा प्यार करते हैं. सेलफोन में देखना तो एक बात होता है, पर सेलफोन अगर आईफोन हो तो हमें थोड़ा और अच्छा लगता है. कितने लोग हमारे पॉकेट में अपने बिजनेस कार्ड से इतना प्यार करते हैं. अगर वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल हो तो हमें अच्छा लगता है. सच बताएं, जब भी आप वो बिजनेस कार्ड हैंडओवर करते हैं और अपने आप को उस टाइटल से आइडेंटिफाई करते हैं, यू डोंट गेन रेस्पेक्ट. व्हाट यू गेन इज मे बी फियर, व्हाट यू गेन इज मे बी सम जेलसी. नो ईगो. इट्स अ वेरी टफ थिंग टू प्रैक्टिस, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टीम में, और इसका बाय द वे आपको प्रूफ बड़ा जल्दी मिल जाता है. क्या आपके टीम में जो लोग गलत करते हैं आपके पास बिना फियर आपके साथ आके बात कर सकते हैं? क्या लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि आप उनके जिंदगी का सबसे दुख वाले मोमेंट्स बताने के लिए? वो तभी करेंगे जब आपके अंदर गुस्सा और ईगो ना हो. नंबर 3, नो चाय. मुझे चाय बहुत पसंद है, पर चाय काम पे चाय, वो हिंदी में बोलते हैं ना कुरकुरे, कि इसने क्या किया, अच्छा उसको क्या हुआ. चाय इज अ ह्यूज टाइम वेस्ट एट वर्क. चाय पीना है अपने डेस्क पे बैठ के काम के द्वारा पीजिएगा, किसी के साथ ना पीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही टाइम वेस्ट होता है. सरकारी दफ्तरों में तो हम बोलते ही हैं चाय पे आधा घंटा बिता दिया, एक घंटा बिता दिया, बट दैट इज़ ट्रू इन एवरी वर्क प्लेस. इट्स नॉट जस्ट चाय. चाय होता है समटाइम्स इवनिंग, चलो ड्रिंक पीने जाते हैं. सबसे टाइम वेस्ट वहीं पे होता है, सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स का नहीं, थॉट्स, वाइब्रेशन, वहाँ के जो बातें होती हैं. नंबर 3, प्लीज डू नॉट कैरी वर्क ओवर एट होम. क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, हम हमारा वर्क आइडेंटिटी से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हम ये भूलते हैं कि हमारा सच्चा वर्क हमारे घर पे है. इसके लिए बाय द वे यूएस आना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहाँ पे घर पे स्टाफ नहीं होता है. सुबह उठ के जब हम, मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं, चाय बनाने का ड्यूटी मेरा ही है, बर्तन मांजने का ड्यूटी मेरा है, घर सफाई हमें ही करना पड़ता है. आप ये ट्राई करके देखें, अगर आपके घर पे स्टाफ हैं, अगर आपको काम से एक दिन की छुट्टी के लिए आप समझते हैं कि आपको चाहिए, आप क्यों ना उनको एक या दो दिन की छुट्टी देके देखें. बाय द वे वंस यू डू दैट, उसमें जो आनंद मिलता है, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें जो आनंद मिलता है, एक्चुअली यू विल फाइंड दैट यू विल एक्चुअली हैव मोर टाइम. ट्राई करके देखें. वर्क, एक्चुअल वर्क, लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं, वर्क इज एक्चुअली होम वर्क. द ऑफिस वर्क इज टू मेक होम वर्क बेटर. पर हम आजकल पता नहीं वो इक्वेशन को उल्टा जीते हैं. वर्क से आगे हम थक गए. हमारे बच्चे कैसे बड़ा हो रहे हैं हमें पता ही नहीं, हमारी बीवी का मूड कैसा है हमें पता नहीं, हम समझते हैं कि हमारे टेबल पे खाना आके बैठ जाएगा. जिस दिन वो नहीं बैठता है तब आप उसका वैल्यू समझेंगे. माई फाइनल नो, एंड दिस वन माइट शॉक यू, कमिंग फ्रॉम गूगल, नो फोन्स. अगेन
हमें लगता है ना कि गूगल ने हमारे हाथ में सारा इन्फॉर्मेशन पकड़वा दिया, गूगल ने हमारे हाथ में हमारा सबसे बेचैनी का चीज़ पकड़वा दिया। इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एंग्जाइटी की चीज़ है। मैं आपको बता सकता हूँ, 6 महीने में एक हफ़्ता हमारे घर में कोई भी एक फ़ोन नहीं यूज़ करता, हमारे घर में टीवी नहीं है, ना केबल टीवी, टाइम सेविंग के लिए बता रहा हूँ, दैट फोन इज़ योर बिगेस्ट बेन। कमिंग फ्रॉम गूगल मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। शाम एटलीस्ट अगर आप पूरा हफ्ता फ़ोन ना यूज़ कर सकें, घर पे जाके शाम के 4 और 8 के बीच में जब हमारा सबसे अहम टाइम फैमिली के साथ होता है, उस टाइम पे कृपया फ़ोन को ना यूज़ करें। सुबह तकिए के नीचे फ़ोन को अलार्म के नाम पे रख के यूज़ ना करें, अलार्म क्लॉक खरीद के रखें, पर सुबह उठ के वो फ़ोन चेक करने का आदत छोड़ के देखें। इट इज़ द बिगेस्ट टाइम सेवर दैट यू कैन फाइंड। एंड एज अ प्रूफ, अगर आप मेरा फ़ोन देखेंगे, आप शायद कोई भी वो फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। सैमसंग का 2000 रुपये का फ़ोन है। ये इम्पॉर्टेंट है। सो एनी वे, आई एम नॉट सेइंग जो मैंने बोला ये सब सही है और ये नहीं जानता हूँ, पर आपको ये बता सकता हूँ, 7 साल का ये प्रैक्टिस से काम पे मैंने 7 साल पहले अगर मैंने कुछ अरमान किए थे कि ज़िंदगी में कुछ बनूँगा, उससे 10 गुना ज़्यादा बाबा ने मुझे दिया है। पर सबसे ज़्यादा है ये है कि आज जब मेरे फैमिली को देखता हूँ, मेरे वाइफ को देखता हूँ, मेरे बच्चों को देखता हूँ, जब वो शाम को डैडी बोल के सामने आते हैं ना, वो खुशी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस, सॉरी टू से, इज़ अ वेरी रॉन्ग टाइटल, बिकॉज लाइफ इज़ एक्चुअली वर्क, है नहीं? अगर हम काम नहीं करेंगे, काम ऐसा क्यों हमारा फीलिंग है कि किसी कंपनी के लिए करें, अपने बिजनेस के लिए करें तो वो काम है, बाकी सब काम नहीं है। एंड काम पे भी हम जिंदगी ही तो बिताते हैं ना। सो लाइफ इज एट वर्क टू। बैलेंस कम्स फ्रॉम विद इन, एंड वंस वी हैव दैट बैलेंस, लाइफ अराउंड अस बिकम्स वर्क, बिकॉज वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट वी लर्न टू डू इट विद अ सेंस ऑफ काम एंड पीस which cannot be explained. Om Shanti.